वैलेंटाइन डे। क्या होता है वैलेंटाइन डे आप जानते हैं? सुनिए, वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। रोम में किंग क्लैडिस टू के जमाने में एक पादरी रहा करता था, एक फादर रहा करता था जिसे लोग सेंट वैलेंटाइन कहा करते थे। ये उस दौर का वाकया है जिसे आप 3rd century AD कहते हैं। ये वो शख्स था जो हुकूमत के खिलाफ उस हुकूमत के सिपाहियों की शादियां करवाता था। तो बादशाह क्लैडिस को इस पर बहुत गुस्सा आया। उसके मुल्क के कानून को तोड़ने पर बादशाह क्लैडिस ने उसे जेल में डाल दिया। एक ऐसा बदमिजाज आदमी था जो मजाजी इश्क, आशिकी, बेहयाई इन बातों में मुबतिला था। जब इसे जेल में डाल दिया तो उसने उसी जेल के जेलर की बेटी से आशिकी की, उसे अपने इश्क के झांसे में फंसाया और उसके साथ एक नाजायज रिश्ता कायम किया। उस जेलर की बेटी इस वैलेंटाइन की दीवानी हो गई और रोजाना चोरी छुपे इससे मिलने के लिए आती और अपने साथ एक लाल गुलाब लिए अपने उस नाजायज महबूब से मिलने के लिए आती। यहां तक के उसने इस औरत को इतना दीवाना बना दिया था कि उसने अपना मजहब छोड़कर इस पादरी के मजहब को यानी ईसाइत को कबूल कर लिया था। जब ये बात इसके बाप उस जेलर को पता चली, इसने उसके बादशाह से कहा कि जिसे हमने जेल में बंद किया था, सजा दी थी ये सोच करके ये बदल जाएगा, लेकिन उसी ने हमारे साथ धोखा किया और मेरी ही बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और बादशाह ने उसे फांसी की सजा दी। जब फांसी की सजा का ऐलान हुआ तो उसकी माशूखा रोने लगी। उस वक्त इस वैलेंटाइन ने उसके नाम पर एक कार्ड बनाया और उसे लिखकर भेजा कि तुम्हारा वैलेंटाइन। मिलाखिर 14th February को उसे फांसी दे दी गई और वो मर गया। ये वाकया 3rd century का है, लेकिन आप जानते हैं 12th century तक किसी ने भी वैलेंटाइन डे इस तरह नहीं मनाया था। 12th century में फिर इन्हीं क्रिश्चियंस ने, इन नसरानियों ने एक साजिश चली। सोचा कि मुसलमानों को इस वैलेंटाइन के धोखे में डाला जाए, अपने उस पादरी के मरने के दिन को मनाया जाए, अपने उस पादरी के फांसी के दिन को मनाया जाए, उसका नाम उस पादरी से जुड़ा दें और उसको वैलेंटाइन्स डे कहा जाए। आप सब लोग इंग्लिश से अच्छी तरह वाकिफ है। जब कोई चीज किसी से मंसूब हो जाती है, किसी से जुड़ जाती है, तो उसके साथ एपोस्ट्रफी एस लगाया जाता है। अब आप इस वैलेंटाइन डे के नाम पे गौर करें। इसे जो आम कहा जाता है ये वैलेंटाइन डे है, लेकिन हकीकत में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है वैलेंटाइन्स डे। ये एक वैलेंटाइन वाला दिन है और उस बदबख्त की मौत को लोग मना रहे हैं। किस तरह से मना रहे हैं? बेहयाई को आम करते हुए, अपनी हया को छोड़ते हुए, नाजायज रिश्ते, नाजायज मोहब्बतें और नाजायज ताल्लुकात के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। जिस तरह वो दीवानी उसके लिए गुलाब लेके जाया करती थी, आज भी नावाकिफ और गाफिल लोग अपने महबूबों के लिए गुलाब लेकर निकल रहे हैं। क्या हो गया है हमें कि जिस तरह वैलेंटाइन ने इस नाजायज रिश्ते के लिए, अपनी महबूबा के लिए कार्ड बनाया, आज इसी तरह इश्क में पड़े हुए बेकार आशिकों ने अपने महबूबाओं को कार्ड के तोहफे देना शुरू कर दिए, गुलाब के तोहफे देना शुरू कर दिए। हम कहां जा रहे हैं? हमें क्या हो गया है? एक पादरी का दिन मना रहे हैं जिसने गुनाहों को आम किया, हम आज उसकी याद मना रहे हैं। अरे हम मोहब्बत करते, जरूर मोहब्बत करते, इंसान के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत का जज्बा रखा जरूर है। हम मोहब्बत करते, लेकिन उससे मोहब्बत करते कि जिसकी मोहब्बत के लिए हमारे सीनों में दिल रखा गया, जिसने कहा कि तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि मुझसे मोहब्बत ना कर लो।
हम मोमिन होने की खातिर अपने महबूब नबी से मोहब्बत करते हैं, उसके असहाब से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, इस दीन से मोहब्बत करते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, अहदीस से मोहब्बत करते हैं, अखवाल जरीन से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने के लिए बहुत दरवाजे खुले थे हमारे लिए, लेकिन हमने कौन से दरवाजे को पसंद किया? वो दरवाज़ा जो एक पादरी का था, वो दरवाज़ा जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, वो दरवाज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाला है। अभी भी वक्त है मेरे नौजवान भाइयों बहनों, तौबा कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह ताला तवाब रहीम है, वो माफ़ कर देगा। ये वैलेंटाइन डे मनाने से तौबा कर लीजिए, ये सेंट वैलेंटाइन हमारी कोई मदद नहीं कर सकता।